और अल्लाह फरमाते हैं आगे सूरत नहल में, अफा मैं यखलुकु कमल्ला यखलुकु अफला तज़क्करून, क्या पस जो तख्लीक कर सकता है, अल्लाह ताला की बात हो रही है, द वन हु कैन क्रिएट कमल्ला यखलुकु, क्या वो बराबर हो सकता है जो तख्लीक नहीं कर सकता उस अल्लाह की जात के जो बहुत बुलंद है। अफला तज़क्करून, क्या तुम नसीहत हासिल नहीं करते जो तुम उनके आगे झुक जाते हो और शिर्क करते हो और गैर अल्लाह के नाम के ऊपर इबादत का एक गंदा सिलसिला इस दुनिया में चल पड़ा है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त्म किया, आज फिर हम वहीं उस ध्याने पे आके खड़े हो गए। वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल्लाहा लगफूरुर रहीम, और ऐ इंसान अगर तू मेरी नेमतों को गिनना चाहेगा तू शुमार नहीं कर सकता उनका, बेशक के अल्लाह गफूर है रहीम है मेहरबान है माफ करने वाला है तेरी इन सरकशियों को। वल्लाहु यालमु मा तुसिरून वमा तुलिनून, और अल्लाह जानते हैं जो तुम छुपाते हो और जो तुम ऐलान कर देते हो जाहिर कर देते हो। वल्लज़ीन यदउन मिन दूनिल्लाह, और वो जिन्हें तुम पुकारते हो इबादत के तौर पर मदद के लिए अल्लाह के सिवा, ला यखलुकून शैयन वहुम यखलकून, वो तो किसी चीज को तख्लीक करने की सिफत ही नहीं रखता, नहीं वो तख्लीक कर सकता किसी शय को भी। वहुम युखलकून, जो पैदा हुआ है उसे पुकारा नहीं जा सकता इल्ला के वो उस चीज पर कुदरत रखता, अगर वो कुदरत ही नहीं रखता सुनने की जवाब देने की तो फिर क्यों वल्लज़ीन यदउन मिन दूनिल्लाह करते हो, क्यों अल्लाह के सिवा पुकारते हो गैरुल्लाह को। अल्लाह फरमाते हैं अमवातुन गैरु अहया, ये मुर्दा हैं ये जिंदा नहीं है, वमा यशउरून, मगर ए मुशरिकीन मक्का वो नहीं समझते इस बात को। इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, तुम सबका एक ही इलाह है जिसकी इबादत की जा सकती है और वो इबादत के लायक है। फल्लज़ीना ला युमिनूना बिलआखिरति, और वो लोग जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते, कुलूबुहुम मुनकिरा, उनके दिल इनकार करते हैं, इनकार करने वाले दिलों के मालिक हैं वो। वहुम मुस्तकबिरून, और वो अल्लाह के साथ तकब्बुर करते हैं, अल्लाह के दीन के साथ तकब्बुर करते हैं। ला जरम अन्नल्लाह यालमु मा युसिरून वमा युलिनून इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन, और अल्लाह जानते हैं जो तुम छुपाते हो और जो तुम जाहिर करते हो, बेशक कि अल्लाह नहीं पसंद करता नहीं मोहब्बत करता मुतकब्बिरीन के साथ। और किबर की क्या जबरदस्त तारीफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है कि बतरुल हक वगम तो नास, किसी को हकीर समझना और हक को झुटला देना। इबलीस ने ये दोनों किए, उसने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा भी नहीं किया और उसने उनको हकीर भी जाना, कहता है खलकतनी मिन नारियूं व खलकतहु मिन तीन, तूने मुझे आग से पैदा किया है, अल्लाह ये मिट्टी से पैदा हुआ। वाइजा अकीला लहुम, और जब उनसे कहा जाता है, इस कुरान के बारे में बात की जाती है, इस पैगाम के बारे में बात की जाती है, माजा अनजला रब्बुकुम, क्या नाजिल किया है तुम्हारे रब ने, कालू तो कहते हैं असातीरुल अव्वलीन, ये तो पुराने लोगों की बातें हैं, पुराने जमानों की किस्से कहानियों की बात कर रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माजल्ला सुम्मा माजल्ला। और आज के दौर में भी अगर किसी भाई या किसी बहन को जाके दीन की दावत दो तो यही स्लोगन लगाए जाते हैं, यू नो दिस इज ऑल प्रिमिटिव एंड एंशिएंट स्टफ, नऊज़ुबिल्लाह, सुभानहू व तआला अम्मा यशरिकून व अम्मा यसिफ। अल्लाह की बात हो या अल्लाह के नबी की, अल्लाह के हुक्म की बात हो और उसकी इबादत की बात हो और कह दें कि जी ये पुराने ख्यालात की बात है,